नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 14 मई 2021 आज सुबह से लेकर रात तक की अपडेट को, और कुछ अपडेट हम 15 मई की भी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले बात होगी पीएनपी लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों देखिए एक और अपडेट, शिक्षक भर्ती की पूरी प्रक्रिया समझ लें, आवेदन से लेकर दोस्तों नियुक्ति पत्र तक। जी हाँ दोस्तों, काफी बच्चों का सवाल आ रहा था कि शिक्षक भर्ती का पूरा प्रोसेस क्या है। जी हाँ दोस्तों, कब आपको आवेदन का मौका मिलता है और कब आपको नियुक्ति पत्र मिलता है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह होगी कि कितने गुणांक तक आपको मिलेगी नौकरी। और दोस्तों एक और अपडेट आपके सामने रख दे, प्रमोट करने में लग सकता है समय। जी हाँ दोस्तों, पीएनपी की लापरवाही से छात्रों का भविष्य होगा बर्बाद। जी हाँ, मई का महीना दोस्तों हमारा चल रहा है, ठीक है, जून और जुलाई 2 महीने दोस्तों और बचे आपका 2 साल कंप्लीट होने में, लेकिन अभी तक दोस्तों पीएनपी की कोई तैयारी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का पेपर हो जाए या वैक पेपर की परीक्षा हो जाए, तो दोस्तों कोई भी आसार यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। तो ये बड़ी लापरवाही है, और देखिए दोस्त यहाँ पर हम ये भी कहेंगे कि सरकार की भी बड़ी लापरवाही। जी हाँ दोस्त, या तो योगी सरकार का यहाँ पर पीएनपी पर कोई कंट्रोल नहीं है कि बच्चों का सेशन इतना ज्यादा लेट हो रहा है और सरकार कुछ कर नहीं पा रही है, ठीक है। तो देखिए गाइस, इस अपडेट को देखिए कि अभी तक तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा नहीं हो पाई। अब देखिए दोस्तों, प्रमोट की बातें हो रही हैं, और प्रमोट करेंगे तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, जितने बच्चे फेल होंगे उन बच्चों का भविष्य और भी ज्यादा बर्बाद होगा। होगा क्या दोस्तों, तकरीबन 70,000 से ज्यादा बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये प्रमोट नहीं करेंगे, ठीक है। पिछले नियम के अनुसार अगर 2018 बैच वाला ये नियम लागू करेंगे तो कुछ ऐसा ही होगा, सिर्फ और सिर्फ 5 बच्चों को ये प्रमोट करेंगे। तो गाइस वही होगा कि बाकी जितने बच्चे फेल होंगे उनको तो पूरा का पूरा थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद दोस्तों उनको फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा देनी पड़ेगी। तो कितना लंबा प्रोसेस होगा उनके लिए, ठीक है। एक और अपडेट आपके सामने रखेंगे, यूपी टेट परीक्षाओं को लेकर छात्र परेशान है, 97,000 पदों पर आ सकती है नई शिक्षक भर्ती। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रेंड हो रहा है, देखिए ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है नई शिक्षक भर्ती। एक और अपडेट है दोस्तों, सीएम योगी को लेकर के अपडेट क्या आई कि वैक्सीनेशन कराए होता तो इतने शिक्षक नहीं हम खोते। तो दोस्तों क्या है पूरा मामला, इसको हम इस वीडियो में देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत से टीचरों की जान गई है, तो यहाँ पर भी सरकार की बड़ी लापरवाही थी। देखिए अगर किसी के घर में एक इंसान की भी मौत हो जाती है ना, तो वहां पर पूरा मातम कोहराम छा जाता है। तो पूरी अपडेट को हम जरा इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। तो दोस्तों चलिए पहले आपके सामने रखते हैं, देखिए ट्विटर पर दोस्तों ट्रेंड कर रही है नई शिक्षक भर्ती। सहायक अध्यापकों की दोस्तों नई भर्ती शुरू करने के लिए बेरोजगार ट्विटर पर अभियान चला रहे हैं। हैशटैग दोस्तों योगी जी सुपर टेट दो मंगलवार को ट्विटर पर चौथे नंबर पर ट्रेंड कर रहा था। डीएलएड के टीईटी सीटेट पास बेरोजगारों का कहना है कि बड़ी संख्या में पद खाली होने के बावजूद भर्ती नहीं हो रही है। पिछले दोस्तों 3 सालों में सरकार ने दो शिक्षक भर्ती 68,569 निकाली थी। ये दोस्तों पद थे जो शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त होने से खाली हुए थे। एक बात जरा आप ध्यान में रखिएगा हमेशा, 68,500 शिक्षक भर्ती दोस्तों जो आपने देखा या 69,000 भर्ती, ये दोस्तों कोई भी नई वैकेंसी नहीं थी, ठीक है। ये दोस्तों शिक्षा मित्रों का जो समायोजन निरस्त किया गया था, बस उसी को दोस्तों भरने के लिए ये वैकेंसियां निकाली गई थी। तो इसको आप कभी भी नई भर्ती मत समझिएगा, ये गलती आप ना करें तो बेहतर है, नहीं तो आप सोचेंगे यार सरकार आई और इतनी बड़ी बड़ी वैकेंसियां निकाल दी, ठीक है, ये सच्चाई है पहले। उसके बाद दोस्तों 24 घंटे में इंडिया में कोरोना के जो केसेस थे 3,43,000 से ज्यादा है, और 3,999 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, ठीक है। एक और अपडेट दोस्तों आपके सामने, मृतक आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति तत्काल देने की मांग की गई है। जी हाँ दोस्तों, जैसे देखिए कोई टीचर की जान चली जाती है तो वहां पर उनकी जगह किसी न किसी नौकरी के दोस्तों प्रोसेस होता है, किसी और को नौकरी दे दी जाती है। तो ये दोस्तों भर्ती में एक पद खाली नहीं होता, इसको जरा आप समझे रखिएगा, ठीक है। जब तक दोस्तों कोई टीचर रिटायरमेंट नहीं लेता तब तक दोस्तों वहां पर कोई भी पद खाली नहीं होता। तो एक एक करके दोस्तों आज की हम सारी अपडेट को कवर करेंगे, और डीएलएड स्कूटनी का रिजल्ट जो भी लेटेस्ट अपडेट है उसको देखेंगे, चतुर्थ सेमेस्टर की डेट शीट, इस पर भी बातें होंगी। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे, इस वीडियो में काफी बच्चों का सवाल था शिक्षक भर्ती का प्रोसेस क्या है, क्या है प्रक्रिया आवेदन से लेकर नियुक्ति पत्र तक। देखिए दोस्तों पहली बात, आवेदन करने का मौका किन छात्रों को मिलता है इसको जरा समझिए पहले। जिन बच्चों का दोस्तों यहाँ पर डीएलएड का कोर्स कंप्लीट हो जाए, अगर आप डीएलएड कर रहे हैं पहला दूसरा तीसरा चौथा सेमेस्टर का दोस्तों जो रिजल्ट है वो दोस्तों आ जाना चाहिए, भले ऑनलाइन रिजल्ट है लेकिन आना चाहिए। तो दोस्तों बिना रिजल्ट के कोई भी काम शुरू नहीं होता, इसको जरा समझ लीजिए, ठीक है। पहले दोस्तों आपका डीएलएड जैसे ही क्लियर हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको यूपी टेट या सीटेट में से कोई भी परीक्षा देनी है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टीईटी की परीक्षा।
जब दोस्तों आप इसको भी क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद आपको मौका मिलता है सुपर टेट का। ठीक है, ये दोस्तों आपको मौका मिलेगा सुपर टेट का। डीएलएड प्लस यूपी टेट या सी टेट की परीक्षा पास करेंगे तब आपको सुपर टेट का मौका दिया जाता है। तो ये दोस्तों प्रोसेस है। अब दोस्तों बात आती है कि भैया हमको नियुक्ति पत्र कैसे मिलेगा, इसको जरा समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, जो आपकी मेरिट बनाई जाती है, जी हाँ दोस्तों, देखिए जो शिक्षक भर्ती में नौकरी मिलती है आपको, वो मेरिट के आधार पर आज भी दी जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों जो आपका 60% अंक लिया जाता है, वो लिया जाता है आपका सुपर टेट का। अब आपको यहाँ पर हम एक बात समझाना चाहते हैं, सुपर टेट का पेपर होता है आपका 150 नंबर का। अब देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो 150 में से 120 नंबर ले आएंगे, कुछ बच्चे होंगे दोस्तों जो 150 में से 100 नंबर लाएंगे, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो 150 में 140 नंबर ला सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जितना भी आप नंबर लाएंगे उसका देखिए यहाँ पर 60% लिया जाता है। इसको जरा समझिए, अगर आप 150 में से 120 नंबर लाते हैं तो इसका हमें 60% निकालना पड़ेगा। अगर आप दोस्तों 150 में से सिर्फ 100 नंबर लाते हैं, ठीक है, तो 100 गुणे 60% निकाल लेना बटे 150। ये दोस्तों आप 140 नंबर लाते हैं तो 140 गुणे 60 बटे 150, तो देखिए आपका अलग अलग गुणांक आएगा। देखिए ये जीरो से ये जीरो कट गया, 15 एकम 15, 15 चौके 60, 12 गुणे 4 हो गया ये 48। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये था, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 15 एकम 15, 15 चौके 60, 10 गुणे 4 40 हो गया। उसके बाद दोस्तों ये जीरो से ये जीरो कट गया, 15 एकम 15, 15 चौके 60, 14 चौके 56। ठीक है, ये दोस्तों आपका गुणांक बन गया। तो आप यहाँ पर दोस्तों देख रहे हो जो बच्चा 140 नंबर पाया है उसका जो गुणांक बन रहा है 56। तो आप समझ रहे हैं ना इसमें सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा है भैया, इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो 56 है। तो 56 गुणांक वाला पहले नौकरी पा जाएगा। लेकिन अब आपको एक और बात समझनी है यहाँ पर। अब दोस्तों बारी आती है आपके हाई स्कूल के नंबर की, उसके बाद आपने इंटर में कितना नंबर पाया, उसके बाद दोस्तों आपका ग्रेजुएशन आता है, उसके बाद दोस्तों आपका डीएलएड का कोर्स या बीएड का कोर्स आता है। मान लेते दोस्तों आपने हाई स्कूल में 70% स्कोर किया था, इंटर में आपने 80% स्कोर किया है, ग्रेजुएशन में आपने 50% स्कोर किया, और डीएलएड में दोस्तों आपने 80% स्कोर किया है। जो भी दोस्तों आप परसेंटेज पाते हैं, हो सकता है कोई बच्चा 75% भी लाया हो, जो भी आपका परसेंटेज आएगा उसको आप क्या करना है, 10 से भाग कर देना होता है। ठीक है, जो भी आप परसेंटेज पाएंगे अब क्या करें, 10 से भाग कर दे, तो ये दोस्तों जीरो से जीरो कट गया। हम आसान बताते हैं इसलिए दोस्तों यहाँ पर जीरो वाला रखते हैं लास्ट में, नहीं तो 75 लेंगे तो 7.5 गुणा कैसे आएगा। यहाँ दोस्तों भाग करने पर 7 आ गया, यहाँ पर बचा 8, यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ पर बचेगा 8। इन सभी को हमको क्या करना है, जोड़ लेना है। जोड़िए दोस्तों, क्या हो गया, 8 और 7 हो गया 15, 5 20 8 28। ठीक है, तो गाइस आप देख रहे होंगे कि अगर 28 हम गुणांक इसमें जोड़ दें, 28 हम इसमें जोड़ दें और 28 इसमें जोड़ें, तो भी दोस्तों सिंपल सी बात है, जो बच्चा ज्यादा गुणांक पाया था उसको पहले नौकरी मिल जाएगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि कुछ बच्चे मतलब गुणांक में कम रह जाते हैं, मतलब हाई स्कूल इंटर में परसेंटेज कम होते हैं, बाकी यहाँ सुपर टेट में अच्छा स्कोर करके नौकरी ले जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको नियुक्ति पत्र तक का रास्ता क्लियर हो गया होगा कि कैसे दोस्तों आपको नौकरी वोकरी मिलती है। ठीक है ना, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये दोस्तों पूरा प्रोसेस था हमने जो आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझा दिया। लेकिन हाँ, अब दोस्तों यहाँ पर एक और चीज आती है। अब दोस्तों यहाँ पर फिर आएगी जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी। देखिए दोस्तों, जब 69,000 भर्ती प्रक्रिया हमारी हुई थी तो एसटी में जितने बच्चे सिर्फ पासिंग मार्क भी ले आए थे सबको नियुक्ति पत्र मिल गया, सिर्फ पास हो गए नौकरी मिल गई। एससी में दोस्तों लगभग 65 हम गुणांक तक आपको लाना पड़ेगा, ओबीसी में दोस्तों लगभग 70 गुणांक आप मान के चलिएगा, जनरल में भी 70+। ठीक है, तो ये दोस्तों गुणांक होगा कुछ जिसके आधार पर आपको नौकरी दी जाएगी। अब 70 गुणांक लाना आपको क्या आसान है, देखिए अगर आपने सुपर टेट में कितने नंबर स्कोर किए, 120 नंबर स्कोर किया, तो दोस्तों अगर 48 में हम 28 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 8 8 16 4 2 6 7, 76 अंक का गुणांक हो गया। यहाँ पर दोस्तों जोड़ेंगे तो ये हो गया आपका 68 अंक का गुणांक। यहाँ पर दोस्तों जरा जोड़ेंगे तो 8 6 14 5 2 7 1 8, ये 84 अंक का गुणांक बन गया। तो 140 नंबर तो सभी बच्चे ला नहीं सकते, सिंपल सी बात है, कुछ ही बच्चों का आएगा। तो ये दोस्तों आपका देखिए प्रोसेस है, कभी आप 76 अंक गुणांक बनेगा, कभी 68 बनेगा, कभी 84। तो गाइस अच्छे से आप लोग पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, हमने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया नियुक्ति पत्र तक का। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी समझ जाए कि आखिर आपको नौकरी मिलती कैसे है। ठीक है, तो ट्विटर पर दोस्तों क्या ट्रेंड हो रहा है आपने इसको देख लिया, मृतक आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति तत्काल देने की मांग। दोस्तों ये क्या मैटर है इसको जरा हम आपको पहले बता दें, प्रयागराज इलाहाबाद विश्वविद्यालय संगठक महाविद्यालय शिक्षक संघ ने कुलपति से मांग की है कि महाविद्यालयों में कोविड के कारण जिन शिक्षकों का निधन हुआ उनमें से प्रत्येक पीड़ित परिवार के एक सदस्य का अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। अकटा अध्यक्ष डॉक्टर एसपी सिंह ने कुलपति एवं डीन कॉलेज डेवलपमेंट को पत्र लिखकर कहा है कि आश्रित परिजनों के समक्ष आजीविका का संकट खड़ा हो गया है,
उन्होंने मांग की कि कोविड से दिवंगत हुए शिक्षकों के आश्रितों को तत्काल आर्थिक सहायता और योग्यता के अनुरूप बिना शर्त परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। ठीक है दोस्त, ये पूरा मैटर होता है। उसके बाद देखिए इस अपडेट को, वैक्सीनेशन वाला। अलीगढ़ कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि एएमयू में, मतलब एएमयू में लगातार हो रही शिक्षकों व प्रोफेसर की मौत की हकीकत जानने के लिए खुद यहां आया हूं। पता चला कि जो भी मौतें यहां हुई हैं उनमें से अधिकांश ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए टीके की पहली खुराक नहीं ली थी। यदि दोस्तों टीका लगवाया होता तो हम इतने शिक्षकों और प्रोफेसरों को नहीं खोते, इसलिए टीकाकरण कार्यक्रम से जुड़ना बहुत जरूरी है। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से सभी समुदायों को टीकाकरण में आने का संदेश दिया। ठीक है, ये अपडेट थी। अब दोस्तों बात करते हैं, भैया सरकार क्या कर रही है आखिर। जी हाँ दोस्त, अगर पीएनपी पेपर नहीं करा पा रही तो यहाँ पर सरकार का भी फर्ज है कि सरकार के कंट्रोल में आती पीएनपी। देखिए पीएनपी सरकार से बड़ी नहीं है, ठीक है, पीएनपी के पास इतनी पावर नहीं है कि सरकार से बिना पूछे कुछ भी कर सकें। तो गैस यहाँ पर सरकार को भी सोचना चाहिए कि डीएलएड छात्रों का भविष्य खतरे में, बच्चों का साल बर्बाद होने पर आ गया है, लेकिन क्या कर रही है सरकारें। जी हाँ दोस्त, यहाँ पर सरकार को खुद एक्शन लेना चाहिए ताकि बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो, समय बर्बाद ना हो। देखिए आज के डेट में सबसे इंपॉर्टेंट कुछ होता है तो वो होता है आपका समय। ठीक है, समय निकल जाएगा वो लौट के नहीं आएगा, पैसा आएगा जाएगा लेकिन कभी भी दोस्तों समय लौट कर नहीं आता। एक बात और, आपका सवाल था कि शिक्षक भर्ती में आखिर पासिंग मार्क कितना होता है। देखिए दोस्त, 69,000 जो लास्ट शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें दोस्तों पासिंग मार्क को 90 नंबर रखा गया था और 97 नंबर। 97 नंबर दोस्तों जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए था, बाकी जितने भी आरक्षित वर्ग के बच्चे आते, ओबीसी, एससी, एसटी या फिजिकल हैंडीकैप, सबके लिए 90 नंबर पासिंग मार्क रखा गया। ठीक है, स्कूटनी का रिजल्ट दोस्तों अगर चेक करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक है, जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा रिजल्ट आपका डाउनलोड हो जाएगा। तृतीय सेमेस्टर बैक पेपर परीक्षा की तारीख दोस्तों आप इसको देखते रहिए, क्योंकि देखिए जो बच्चे फेल हैं उनका प्रमोट होना मुश्किल है, लेकिन हाँ अगर आप संघर्ष करेंगे, आप अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे तो हो सकता है कि आपको प्रमोट कर दिया जाए। बाकी परीक्षा के दोस्तों क्या आसार है आप इसको देखकर समझ रहे होंगे कि लगभग 4,000 लोग अपनी जान पर डे गंवा रहे हैं। इतने लोग के मरने के बाद दोस्तों परीक्षा की अगर आप उम्मीद करके बैठे तो ये थोड़ा सा गलत होगा कि इस समय परीक्षा के आसार काफी कम है। बाकी दोस्तों आप देख रहे होंगे गंगा जी में कितनी लोगों की मतलब लाशें बह रही हैं। ठीक है, क्या हो रहा है उसके बाद दोस्तों, किसकी है कुछ पता नहीं चल रहा, मतलब साफ है दोस्तों कि उनके परिजनों ने ही, हो सकता है उसमें बहाया हो, नहीं तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर होता है ना कभी कभी मर्डर हो जाता है, कुछ और हो जाता है तो उसकी केस फाइल की जाती है, ऐसा कुछ देखने को नहीं आ रहा है। तो गाइस हालात थोड़े से बुरे हैं देश में, तो इस समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए। बाकी आप लोग सहयोग भी करिए अपने दोस्तों का अगर कर सकें तो। तो चलिए मिलेंगे एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ। आप लोग को दोस्तों प्रमोट की आवाज़ है इसको बुलंद करना है, बाकी अगर आप टीईटी परीक्षा के लिए दोस्तों आवाज़ नहीं उठा रहे तो इसके लिए भी आवाज़ उठाना है, क्योंकि दोस्तों लाखों बच्चे अब पता है क्या कर रहे हैं, जिन बच्चों का टेट पेपर क्लियर हो चुका वो बच्चे सीधे सुपर टेट की मांग अब कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर टेट का पेपर नहीं होगा तो लाखों बच्चे शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे, तो उनके लिए कंपटीशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो सभी लोग अपना फायदा देख रहे हैं, आप लोग भी अपना फायदा देखिए। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।